तेरी भाभी इतना परेशान करती है कि जब देखो मेरे मोबाइल पे ही नजर रखती है। तो मैंने कहा तो फिर क्या हुआ? बोले फिर हमने जुगाड़ से एक तरीका खोजा है। तो मैंने कहा क्या तरीका? तो अगले ने जो स्टोरी अपनी बताई है बिल्कुल रियल, वो मैं आपको सुना रहा हूं। घर में होता क्या है कि मोबाइल में अगर लॉक डाल दो तो अब पुरानी जो चाची और पुरानी जो हमारी भाभियां हैं वो तो खुला ही छोड़ देती हैं कि अब कहाँ जाएगा। नई नई जिनकी होती है तो उनकी बड़ी दिक्कत होती है। लुगाई हर समय नजर रखती है फोन पे किसका फोन आया। तो लटूरी भाई की भी यही दिक्कत, भौजी से परेशान। तो अगले ने क्या किया, जुगाड़ लगाई, नंबर तरीके से सेव किए। तो इसने फोन किया, फोन में नाम लिखा मेरी जन्नत। तो बीवी ने फोन चेक किया तो उसने कहा मेरी जन्नत इसका मतलब किसी एरी गैरी का ही नंबर होगा। तो इसने फोन लगाया तो फोन लटूरी भाई की सास को लगा। बीवी ने जब लगाया तो सास बोली हाँ बिटिया बताओ। तो एकदम से भाभी बड़ी खुश हो गई, बोली बताओ मेरी मम्मी को जो जन्नत समझते हैं और हम जा पे तो शक करते हैं, बेकार आदमी। एक और उसमें फोन नंबर सेव, मेरी खुशी, उसने कहा जे जरूर वही वाली होगी। उसको लगाया तो साली को लग गया, यानी इनकी वाइफ की पत्नी को। तो उधर से बोली हाँ जी जी बताओ। अरे अब मन में शक थी, बड़ी शर्मिंदा हुई, बोली बताओ इतने अच्छे आदमी पे हमने शक करी है, जे तो मेरी बहन को ही मेरी खुशी मानता है, इससे अच्छा तो आदमी ने। अगली लिखी मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी, माई लाइफ। उसने कहा जे जरूर गड़बड़ है। उसने फोन लगाया तो अपना ही फोन बजने लगा। अब तो इतनी खुश भाभी के यार हमारा आदमी तो इतो देखो कितो सच्चो और हम जाए गलत समझ रहे। भाभी ने रिक्शा करो बैंक गई और बेचारी ने 1-1.5-2 लाख रुपए इकट्ठे करे थे, सो निकाल के ले आई। बोले आज लटूरी आए तो खुश कर दें। लटूरी भाई कभी सम्मेलन से आए चांद पे हाथ फेरते हुए, भाभी ने लिफाफा में 2 लाख रुपया दे। बोले जे ले जाओ मौज करो, जाए के तुम जैसे आदमी पाया के हम धन्य हो गए। लटूरी ने 2 लाख रुपया ले और टिकट कटाई जहाज की और अपनी बवाली प्रेमिका को घुमान ले गयो, जाको नंबर मोबाइल में कलुआ मिस्त्री के नाम से फीड कर। मैं चाहता ये हूं कि मूसल पहली बार यहां बजने आया है तो उतनी ही तालियों से मूसल को आमंत्रित करें। आए बड़ी मत्तर कि कवि सम्मेलनों में अधिक व्यस्तता होने के कारण लगातार सफर में भग रहा हूं। कि कवि सम्मेलनों में अधिक व्यस्तता होने के कारण लगातार सफर में भग रहा हूं, रात्रियों को कवि सम्मेलनों में जग रहा हूं। मेरे माइक पर आते ही आप ऐसे शांत हो गए, क्या मैं तुमको कोरोना की तीसरी लहर लग रहा हूं? बहुत अच्छी आपने ताली बजाई। और सबसे खुशी की बात है हमारी माताएं बहनें इस कवि सम्मेलन को सुन रही हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। एक बार उनके सम्मान में भी तालियां होनी चाहिए। जब कोरोना की पहली लहर आई, बाजार बंद हो गए, शराब के ठेके बंद हो गए, घरों से दादा निकलना मुश्किल हो गया, निकलते ही नहीं थे, केवल टीवी देखते थे, समाचार पढ़ते थे, और जो मैंने समाचारों में देखा पढ़ा उसको मैंने हास्य में परोया। ऐसी भीषण बीमारी से मैं से भी हास्य निकालना साहब बड़ी टेढ़ी खीर होती है, तब मैंने हास्य निकाला और आप उसका आनंद लेंगे। जो शब्द धरती के गर्भ में छुपे रहते हैं उन शब्दों को मैं लाने का प्रयास करता हूं, ग्रामीण भाषा के शब्द, आप उसका आनंद लेंगे। कि करे न कोई बल्ले बल्ले, पंजाब के अंदर बल्ले बल्ले होती थी, खुशी होती थी, लेकिन सब बंद हो गई कोरोना में। कि करे न कोई बल्ले बल्ले और सूनी सूनी गली मोहल्ले, कि करे न कोई बल्ले बल्ले सूनी सूनी गली मोहल्ले, और बहुत दिनों के बाद मिले थे बोतल अद्धा पौआ। 3 महीने बाद ठेके पर लेते साहब, वहां से हाथ निकाल के लाया। कि करे न कोई बल्ले बल्ले सूनी सूनी गली मोहल्ले, और बहुत दिनों के बाद मिले थे बोतल अद्धा पौआ, कैसा बना बनौआ, जान से बना बनौआ। तब आगे की लाइन देखिए,
कि बनता था चालाक चाइना, रोग वहीं से आया था। कि बनता था चालाक चाइना, रोग वहीं से आया था, और उसके ही लोगों ने जाकर दुनिया में फैलाया था। सही बात है। कि बनता था चालाक चाइना, रोग वहीं से आया था, उसके ही लोगों ने जाकर दुनिया में फैलाया था। दुष्ट पड़ोसी चीन ने देखो ऐसा काम किया कैसे, और चमकादड़ का सूप बनाकर गर्मा गर्म पिया कैसे। ताली जोरदार होनी चाहिए अगर सत्य कह रहा हूं तो। कि बनता था चालाक चाइना, रोग वहीं से आया था, उसके ही लोगों ने जाकर दुनिया में फैलाया था। दुष्ट पड़ोसी चीन ने देखो ऐसा काम किया कैसे, और चमकादड़ का सूप बनाकर गर्मा गर्म पिया कैसे। बिच्छू कांतर सांप ततैया जाने क्या क्या खाता है, और अपने ही जब लोग मरे तो बड़ा बड़ा पछताता है। सही है, बढ़िया। बिच्छू कांतर सांप ततैया जाने क्या क्या खाता है, और अपने ही जब लोग मरे तो बड़ा बड़ा पछताता है। काम नहीं आई चतुराई, धरी रह गई तानाशाही। कि काम नहीं आई चतुराई, धरी रह गई तानाशाही, और लीक मिसाइल में से निकला कोरोना का हुआ। कोई कहता था कि मिसाइल में से निकला है, जो मैंने अखबार में पढ़ा कि लीक मिसाइल में से निकला कोरोना का हुआ, बहुत दिनों के बाद मिले थे बोतल अद्धा पौआ, कैसा बना बनौआ, जान से बना बनौआ। कि जो कहते थे हम आका हैं, उनकी आफत आई थी, और अमेरिका पर कोरोना की बनती नहीं दवाई थी। वाह। कि जो कहते थे हम आका हैं, उनकी आफत आई थी, अमेरिका पर कोरोना की बनती नहीं दवाई थी। धमकी देकर राष्ट्रपति ने सीमा रेखा लांगी थी, और होकर के लाचार ट्रंप ने दवा हमी से मांगी थी। हम तो मानवता के रक्षक, कि हम तो मानवता के रक्षक, हमने दया दिखाई थी, तब जाकर उस अमेरिका ने थोड़ी राहत पाई थी, वरना क्या से क्या हो जाता, और मौत के मुंह में तू सो जाता। कि वरना क्या से क्या हो जाता, मौत के मुंह में तू सो जाता, और नोच नोच कर खाते तुझको गिद्ध चील और कौआ। और बहुत दिनों के बाद मिले थे बोतल अद्धा पौआ, कैसा बना बनौआ, जान से बना बनौआ। बहुत बढ़िया। और क्या दृश्य था? हाँ। के थाली पीटी, के थाली पीटी, ताली पीटी, हमने दीप जलाए थे, और दिया एकता का परिचय भारतवासी हर्षाए थे। बहुत बढ़िया, वाह वाह। के थाली पीटी, ताली पीटी, हमने दीप जलाए थे, और दिया एकता का परिचय भारतवासी हर्षाए थे। धंधे चौपट पड़े हुए थे, बहुत बड़ी ये हानि थी, और कोरोना को दूर करेंगे मन में सबने ठानी थी। बहुत बढ़िया। के धंधे चौपट पड़े हुए थे, बहुत बड़ी ये हानि थी, कोरोना को दूर करेंगे मन में सबने ठानी थी, और घर में ही बेहाल पड़े थे, दाढ़ी सर के बाल बड़े थे। के घर में ही बेहाल पड़े थे, दाढ़ी सर के बाल बड़े थे, और बनवाने कैसे जाते जब नहीं मिले थे नौवा। और बहुत दिनों के बाद मिले थे भूतल अद्धा पौआ, कैसा बना बनौआ, जान से बना बनौआ। बहुत बढ़िया। ये कहते हैं कि चीन हमें आंखें दिखा रहा है, चीन हमें आंखें दिखा रहा है, जिसकी आंखें खुद ही नहीं खुलती है वो क्या आंखें दिखाएगा। कि छोटी छोटी आंखों वाला नहीं किसी के लायक है, और धोखा देना उसकी आदत बहुत बड़ा नालायक है। वाह। कि छोटी छोटी आंखों वाला नहीं किसी के लायक है, धोखा देना उसकी आदत बहुत बड़ा नालायक है। कई बार सीमा में घुसते हमने उसको पाया है, और अगली पंक्ति पे जोरदार तालियां चाहूंगा। कि कई बार सीमा में घुसते हमने उसको पाया है, और वीर सैनिकों ने धक्के से पीछे उसे हटाया है। क्या वीर सैनिकों ने धक्के से पीछे उसे हटाया है। नहीं चलेगी अमन मानी, चिल्लाएगा नानी नानी, और भारत का तेरे ऊपर से अब विश्वास उठाऊआ। और बहुत दिनों के बाद मिले थे बोतल अद्धा पौआ, कैसा बना बनौआ, जान से बना बनौआ।